तो आरंबोल तो आ गया, बीच पे भी घूम लिया, कुछ खास नज़र नहीं आया। फिर मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा कि भैया कुछ तो अच्छी जगह बता, तो उसने मेरे को बताया ट्वाइस इन नेचर। और भाई बहुत नाम सुना है मैंने, सब कुछ देख लिया इनका गूगल रिव्यू वगैरह सब कुछ। 200 rupees आज कुछ परफॉर्मेंस है, उसकी एंट्री टिकट है, शायद रोज़ ही 200 rupees टिकट होती है। तो अंदर चलते हैं और बताता हूँ भाई क्या देखने को मिलता है। वैसे सारे फॉरेनर्स ही चेक इन कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, देखते क्या होता है। तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी में एंटर किया, मुझे थोड़ा सा पहले अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि मैं अकेला इंडियन था वहाँ पर, सारे के सारे फॉरेनर्स। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं किसी दूसरी कंट्री में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ इंडियन कोई था ही नहीं। यहाँ आप बाहर का कोई भी फूड और अल्कोहल और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं ला सकते, यहाँ जो भी है आप यहाँ के बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। 150 rupees से बियर स्टार्ट है और फूड वगैरह 300-400 से स्टार्ट है। मतलब दो लोग आराम से 1000-1500 rupees के अंडर में यहाँ पर स्पेंड करके इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप सिंगल आओ, कपल आओ, ग्रुप के साथ आओ, किसी के साथ भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है, यहाँ का एक ही रूल है कि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे दूसरी जो पब्लिक है, जिस दूसरी ऑडियंस है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो। और एक चीज़, यहाँ अगर कोई इंडियन आता है और दूसरे फॉरेनर्स के साथ कोई छेड़खानी या बदतमीज़ी करता है, तो उसके साथ वही होता है जो दूसरे क्लब में इंडिया में होता है। यहाँ पे भी बाउंसर्स है, यहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ है। बाकी ये प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, बहुत एस्थेटिक लुक दिखती है। मतलब इतना पीसफुल लगता है क्योंकि पूरा बैम्बू ट्री और इन सब से नेचुरल वाइब आती है पूरी। और देखते हैं आज 200 rupees पे किया है तो हमें क्या देखने को मिलता है और क्या चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। जिस दिन मैं गया था उस दिन एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला था, जो कि एक मैजिक शो दिखाएंगे, उसके बाद कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस होगी। तो बहुत कुछ मज़ा आने वाला है, जो कि मुझे देख के अब लग रहा था।
मैजिक शो के बाद अब म्यूज़िक परफॉर्मेंस थी, जिसमें हमें इंटरनेशनल म्यूज़िक एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। जैसे म्यूजिक बजने लगा, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने देखे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब आज पूरे 200 रुपये वसूल होने वाले थे मेरे। Listen to the song, develop compassion and enlightenment. Thank you.
Deuxième B. गोवा में भी अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है, जिसके कारण 10 बजे तक म्यूजिक चला सकते हैं। 10 बजे के बाद म्यूजिक ऑफ करना होता है, बार क्लोज करने होते हैं और सारे वाइन शॉप्स बंद हो जाती है। तो बस 2 घंटे का ही परफॉर्मेंस था, पर 2 घंटे में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, इससे पहले मैंने गोवा में एक्सपीरियंस नहीं किया था। आप भी अगर गोवा जाए, आरंबोल जाए, तो यहाँ एक बार ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ हर रोज़ अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं। और भी इस टाइप की वीडियोस मेरे चैनल पे आएगी तो फटाफट एक सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये जगह कैसी लगी, क्योंकि ये एक सीक्रेट प्लेस थी जिसकी मैंने छुपकर वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं 350 रुपये के हॉस्टल में रुका हूँ यहाँ आरंबोल में, तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर देखना।